नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज दिन की कुछ खास खबरों पर। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से किया गया यज्ञ का आयोजन। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस एचपीयू छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम और प्रमोशन को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। हिमाचल में करीब करीब हर जिला मुख्यालय में एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के द्वारा क्रमिक भूख हड़ताल को हिमाचल कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व सीएम जीएस बाली का समर्थन मिल चुका है। इस बीच पहली जुलाई से एचपीयू के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, तो अब मांगे पूरी न होते देख एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से आज सीएम जयराम सदबुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की ओर से आज प्रदेश भर में ये सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। छात्र संगठनों की मांग है या तो ऑनलाइन परीक्षाएं कराई जाएं या फिर उन्हें प्रमोट किया जाए। 3 जिलों के अभ्यर्थियों के लिए सेना भर्ती लिखित परीक्षा 25 को मंडी कॉलेज में। सेना की खुली भर्ती जिसका आयोजन 1 से 12 मार्च 2021 तक चौधरी सरवन कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के मैदान में मंडी कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के नवयुवकों के लिए आयोजित की थी। अब इसकी लिखित परीक्षा 25 जुलाई 2021 को आयोजित की जाएगी। सैनिक सामान्य ड्यूटी, सैनिक लिपिक स्टोर कीपर तकनीकी और हिमाचल प्रदेश के सभी जिले के नवयुवकों के लिए सैनिक तकनीकी, सैनिक तकनीकी एविएशन, सैनिक तकनीकी गोला बारूद परीक्षक और सैनिक तकनीकी नर्सिंग सहयोगी पदों के लिए होने वाली लिखित परीक्षा वल्लभ गवर्नमेंट कॉलेज मंडी में आयोजित होगी। भर्ती निदेशक कर्नल एम राजा राजन ने बताया कि जिन उम्मीदवारों को 30 मई 2021 और 27 जून 2021 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड दिया गया था, वो एडमिट कार्ड के साथ एआरओ मंडी में दिए हुए आरएमडीएस के सारणी के अनुसार रिपोर्ट करें और 25 जुलाई 2021 की लिखित परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड प्राप्त करें। 7 जून को आरएमडीएस नंबर 1000 से 1617 तक, 8 जून को आरएमडीएस नंबर 1618 से 2229 तक, 9 जून को आरएमडीएस नंबर 2230 से 2953 तक, 10 जून को आरएमडीएस नंबर 2954 से 3657 तक रिपोर्ट करने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऊना के पेट्रोल पंप ऑफिस में भड़की आग, अग्निकांड में लाखों का नुकसान। जिला मुख्यालय पर एक पेट्रोल पंप के ऑफिस में शनिवार देर रात अचानक आग भड़क उठी। पेट्रोल पंप के ऑफिस से आग की लपटें निकल देख स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया और घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी। अग्निशमन विभाग की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से समय रहते आग पर काबू पा लिया और एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। पेट्रोल पंप के ऑफिस में आग लगने से करीब 1.5 लाख के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का भी खुलासा नहीं हो पाया। जानकारी के अनुसार रामपुर रोड ऊना पर स्थित बाबा बालकनाथ फिलिंग स्टेशन पर बने ऑफिस में यह आग लगी थी। आग की घटना में करीब 1.5 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया और पंप को भी आग की चपेट में आने से बचा लिया गया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज दिन के कुछ खास समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे।